इट इज ओके। नाउ यहां पर एक आता है बुरान 20 एंड देयर इज एन 21 कारा बुरान 20 बुरान 21 कारा बुरान कोल्ड विंड क्या एंड यहां से डेजर्ट साइड से जा रहा है लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड इट इज 22 ब्रिक फील्ड इन ऑस्ट्रेलिया ब्रिक फील्ड एंड ठंडी जगह से यहां से आता है एक इट इज नॉट टेम्परेट साइक्लोन से ओरिजिनेटेड ये विंड होते हैं एंड दैट इज आई सेड सदरली बस्टर ओके शैल आई रिमूव इसको अच्छे से याद कर लेंगे आप जहाँ याद कराना था मैंने याद करा दिया आपको ओके 2021 कहाँ से कहाँ रशिया साइड साइबेरियन साइड सलाई कैटा मीन्स डाउनवर्ड मूवमेंट एंड एना मीन्स अपवर्ड मूवमेंट कैटा जब भी वर्ड आपको सुनाई देगा तो आप इसको क्या मतलब बोलेंगे आप डाउनवर्ड एंड एना मीन्स सर काट दोगे तो नीचे आएगा या ऊपर जाएगा डाउनवर्ड तो कैटा से आप याद रख सकते हो कैटा मीन्स डाउनवर्ड I said in the daytime, if I am talking about daytime, there is an यदि आप daytime में जाएंगे तो what will see that comparatively this region will be what more hot, sun rays will come, this region will receive more hot, slopes will receive, valley में sun rays आएगा ही नहीं, so sun rays will come for less time. Then this region is also getting hit and this region started getting hit. So suddenly this region started getting the hit. So mountainous slopes will get more hit compared to what? Compared to valleys. So the what will happen? यहाँ से warm wind will move. यहाँ से wind क्या होगा? Upward move कर जाएगा, हल्का होकर. तो यहाँ पे क्या create हो गया? Low pressure. And इसके comparatively यहाँ पे क्या होगा? Tell me. High pressure, the mountainous slopes will receive more heat compared to what? Compared to what? Tell me. Valley. Compared to valley. And what will happen if it is getting more heat? Then the wind will start moving to fill up this. और यहाँ से फिर ये descend करने लग जाएंगे. Understood it? So it will and the wind is moving from valley to slope and it is known as what? Upward movement, anabatic wind or it is also known as what? Valley breeze.
वर्ल्ड में किसी भी माउंटेनस और वैली रीजन में जाओगे तो वैली रिसीव्स कंपैरेटिवली व्हाट लेस सन रेस एंड देन माउंटेनस रीजन यूज्ड टू रिसीव मोर सन रेस. अब यहाँ पर एयर ज़्यादा हो गया ना तो भारी हो गया, फिर स्टार्टेड डिसेंडिंग. तो कहीं पे भी हाई प्रेशर होगा तो वहाँ पर एयर विल मस्ट डिसेंड. नाउ कमिंग टुवर्ड्स व्हाट नाइट टाइम में नाइट, तो इस विंड को क्या बोलेंगे? आई सेड दैट इट इज व्हाट एनाबेटिक और वैली ब्रीज. नाइट टाइम में क्या हो जाएगा? नो सन रेस एंड देन हायर हाइट विल बी कोल्डर एंड द लोअर हाइट विल बी कंपैरेटिवली वार्मर. सो दिस विल बी व्हाट कोल्डर हाई प्रेशर एंड दिस विल बी व्हाट कंपैरेटिवली लो प्रेशर. इट मीन्स कंपैरेटिवली वार्म. And in the night time, wind will what? Move from mountain to valley. Mountains to valley. And that is known as what? Mountain breeze. Or we can say what? Katabatic. Rata kata. आप ऐसे भी याद रख ले. Katabatic. रात में कैटाबेटिक. एंड जैसे ही आएगा तो ये कोल्डर एयर विल बी व्हाट इज ना मोर डेंसर एंड वार्मर एयर विल बी लाइटर. वार्मर एयर विल मूव. वार्मर एयर को क्या कर देगा? इट विल मेक इट टू मूव अपवर्ड. और नीचे में कौन सा एयर आ जाएगा? विच एयर? कोल्ड एयर. इसके वजह से व्हाट हैपेंस विद इंक्रीजिंग हाइट? टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर. और लेकिन विद इंक्रीजिंग हाइट व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस इट इज नोन एज टेम्परेचर इन्वर्जन. इट इज नोन एज व्हाट? तो यहां पे टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है. यदि यहां पर ठंडा एयर आ गया और ऊपर में हम जाएंगे एटमॉस्फेयर में तो मुझे क्या मिलेगा? गर्म मिलेगा. तो दैट लीड टू व्हाट? टेम्परेचर इन्वर्जन. आपका एक टॉपिक है टेम्परेचर इन्वर्जन. जनरली वी नो दैट विद इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस टेम्परेचर increases and that is known as what? Temperature inversion. और ये किसकी वजह से हो रहा है? एयर के ड्रेनिंग की वजह से हो रहा है. एंड इट इज नोन एज एयर ड्रेनेज टेम्परेचर इन्वर्सन. इट इज नोन एज व्हाट? एयर ड्रेनेज टेम्परेचर इन्वर्जन. अब ये मुझे बताओ, यदि वैली में मैं क्रॉपिंग करूंगा तो मेरा क्रॉप सस्टेन होगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा? क्योंकि कोल्ड वेव्स की वजह से क्या हो जाएगा? सस्टेन. और यहां पे सारा कोल्ड वेव्स यहां के रुक गया. यहां पे तो कोल्ड वेव्स की पर पासिंग. और दिन में भी यहां पर सन रेस कम आता कंपैरेटिवली. आई सेड दैट. तो ये कोल्ड वेव्स वहीं पे सस्टेन कर गया और हाई प्रेशर दिन में बना देता और ऊपर में ये गर्म हो जाते हैं कंपैरेटिवली. और ये कोल्ड वेव्स ज्यादा देर तक रहेगा तो क्या कर देगा? क्रॉप्स विल फ्रॉस्ट. जब भी 3-4 डिग्री सेल्सियस 6 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं होगा और उसके वजह से क्या हो जाएगा? फ्रॉस्ट. देयरफॉर लोग वैली में कम क्रॉपिंग करते हैं, माउंटेनस रीजन में ज्यादा क्रॉपिंग करते हैं. अंडरस्टूड? कॉन्टोर और टेरेस फार्मिंग वट एवर दे आर डूइंग देयर व्हाट इज इन अ लेस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन द वैली एंड मोर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑन द माउंटेनस. सो वी हैव सीन दिस इज एन अनदर लोकल विंड्स कैटाबेटिक एंड anabatic wind. Clear? So we have completed. और ये आप लोग बंद कर दो वीडियो.